तो गाइस फाइनली बाबू आ चुका है अपने स्कूटी लेके, तो आज हम लोग स्कूटी पे ही जाएंगे। तो चलो बाबू स्टार्ट करो। अभी हम लोग पहुंचे हैं तिराप गेट और अभी वेट कर रहे हैं कुसुम भाई का, और अभी हम लोग दोनों मिलके थोड़ा चाय पी रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा वेट करना है। वो बोल रहा है कि 10 मिनट में पहुँच जाएगा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं तिराप गेट, जो कि एक छोटा सा मार्केट प्लेस है, यू कैन से। यहाँ से मतलब दो, एक होता है कि टिपोंग जाने का यहाँ से रास्ता मिलता है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही कुछ समय आएगा तो फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे टिपोंग की ओर। तो चलेगा इस थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। फाइनली कुसुम पहुँच गया है बहुत वेट करवाने के बाद। सो है लेट गाइस, क्या करें। तो अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? इंसान थोड़ा गांव में बहुत काम रहते, काम हम खत्म करके अभी जस्ट फुर्सत हो। अभी कहाँ चलेंगे? गांव में मिलते हैं अपन चाली पे, टिपोंग, टिपोंग कोलेरी। चलो चले। टिपोंग इज बेसिकली फेमस फॉर कोल। सो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे कोयला निकालते थे यहाँ से। सो मेनली ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे डीप माइन है। डीप माइन मीन्स होता है कि अंडरग्राउंड, मतलब जो लेबर वगैरह थे, जो वर्कर, वो तो अंडरग्राउंड जाके कोयला निकालते थे। तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। और एज यू कैन सी द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी तक हम पहुँचे नहीं, जस्ट एंटर किए हैं गेट से, तो अभी थोड़ी दूर है। तो चले मिलते हैं आगे रास्ते पर। ये जो है ये टिपोंग कोयलेरी का मेन ऑफिस है, जो अभी बंद पड़ा हुआ है। अभी तो ये पूरा खंडर लग रहा है, पूरा ये एरिया जो है पूरा टिपोंग कोयलेरी का है। और यहाँ पे थोड़े अंकल लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डीप माइन, और आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है माइन, डीप माइन, जहाँ से वर्कर अंदर जाते थे और कोयला एक्सट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये उदित खानी इसका नाम है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खान मतलब है डीप माइन। सो ये बना था 1978 में। सो अभी तो यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे कुछ वर्कर्स है जो इसको अभी बंद कर रहे हैं। सो ये पूरा क्लोज कर रहे हैं बिकॉज अभी यहाँ से कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए लोग लगे हुए हैं। तो चलिए और बाकी देखते हैं आगे जाके। जाता था और उसको जो बाहर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ होता था छोटी ट्रेनें, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये सारी ट्रेनें थी जो हम लोग यूज़ करते थे उस टाइम कोयला यहाँ से निकालने के लिए। तो ये बस है गाइस, अभी यहाँ के लग रहा है कि इट्स लुक्स लाइक अभी तो यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं चल रहा है, और बहुत ही पुराना जगह लग रहा है, मतलब काइंड ऑफ हिस्ट्री जैसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग काम करते थे। नाइस कि आप इस जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे बहुत कुछ, मतलब पहले कोयला हो गया या फिर टी
इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स वगैरह जो असम में मिलती है और उसी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं आगे। सो गाइस यही डब्बा है जिसमें अंडरग्राउंड जाके जो कोयला कटता था उसको यहाँ से इसमें डाल के फिर बाहर लाते थे। तो ये अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी है, और ये जो था ये मैंने अपने आँखों से भी देखा था जब मैं छोटा था। उस टाइम हमारे वहाँ पे जो कोयला की खान थी वहाँ पे ये चलता था और मैंने देखा था ये, बट यहाँ पे मैं कभी आया नहीं था तो इसलिए मुझे दिखा नहीं। बट सो गाइस ये वही ट्रेन है जो चलती थी जो डीप माइन से कोयला बाहर लेके आती थी, और ये वाला जो है जो मैंने पहले दिखाया था आपको जो छोटा छोटा डब्बा था ना वो उसे यही इंजन है जिससे उन डब्बों को खींचा जा रहा था। तो आज देख के बहुत दिनों बाद ये देखा और अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तो ये सब नहीं दिखता है चलने, अभी तो ये चलने का कंडीशन में भी नहीं है। चलिए अभी तो ये हिस्ट्री हो चुका है। यहाँ पे दो सिक्योरिटी भैया मिले हैं जिनसे चलिए बात करते हैं थोड़ा अबाउट दिस प्लेस। कितने सालों से हो ड्यूटी? 2 साल तकरीबन हो गया। ओके तो अभी ये माइंस तो बंद है, राइट? ये माइंस बंद है अभी 15 साल जैसे हो गए। अभी आप लोग जस्ट ड्यूटी जो सामान यहाँ पे है उसका मतलब ड्यूटी दे रहे हैं? ओके। आपका नाम? मेरा शिवराज खपा। आपका नाम? विपुल कलिता। विपुल कलिता। ओके आप लोग यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं ना? ओके। कितना बजे तक ड्यूटी है भैया? 3 बजे से लेकर 11 बजे तक। नाइट ड्यूटी है। ओके ठीक है भैया, आप लोग से मिला बहुत अच्छा लगा। चलिए बाय बाय भैया। फाइनली हम लोग ट्रैक करके, छोटा सा ट्रैक है बेसिकली, तो ट्रैक करके यहाँ पे नदी पे आए हैं। एज यू कैन सी ये नदी जो है। सो यहाँ पे लोकल्स लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पिकनिक खाते हैं। सो ये आप बोल सकते हो कि पिकनिक स्पॉट भी है जहाँ पे लोग पिकनिक अपनी फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ आके पिकनिक इंजॉय करते हैं। तो यही वो प्लेस है टिपोंग का।